कि चांदनी चांद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होता है, हजारों से नहीं। तो सलाम सस्से का अदाब कैसा बानी रहो सब। दरअसल हम शेरो शायरी के मूड में नहीं कि आज रिव्यू करे वाला बानी एगो ऐसा फिल्म जोना फिल्म के नाम बा प्यारी चांदनी। तो प्यारी चांदनी फिल्म के ट्रेलर आ गइल बाटे, उ पवन सिंह के फिल्म हुए और एक ट्रेलर के हम रिव्यू करके बताएं कि आखिर फिल्म कितना खास और कितना यूनिक बटे। तो चलिए ये सब कुछ देखे से पहले वो काम करी, चैनल बनाए बानी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जोर दो भाई, बाकी संगे मित्र दौर दे आज संग वगैरह के शेयर कर जाए। चलिए हमने के वीडियो को चालू कर लिया जो ना फिल्म के नाम बा प्यारी चांदनी। एक्चुअली प्यारी चांदनी फिल्म अगर देखल जाओ तो फिल्म के अगर शुरुआती ट्रेलर के सीन देखल जाओ तो पूरा एक्शन 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 आ रहा। कैसे? कभी सिंघम के एक्शन तो कभी फलाना के एक्शन, कब हवा में लहराते एक्शन, पवन सिंह एकदम से बुलोरो के अंदर से धड़ाधुड़ मारत नजर आ रहा बड़न और ओकरा बाद से ठीक अगला सीन में गाना चालू होत बा। यानी अगला सीन में चांदनी सिंह और पवन सिंह के मुलाकात होता और गाना गाए बाजे लगा तटे। ओकरा बाद से फिर से आगे चला तटे तो सिंदूर लेके मंदिर में बोल तरी कि कहिया ले एतरे चली हमसे तू ब्याह कर और पवन सिंह को जा धड़ल्ले से ब्याह कर लेता। ओकरा बाद से अगला सीन में पता चलता कि पवन सिंह तो इंस्पेक्टर बड़ो। फिर से अगला सीन में गाना होखे लगत बटे। ओकरा बाद से विलेन के एंट्री होत बा। विलेन एगो मतलब एगो उनकर वियर बार रहता जोना में लड़की लोग के उ नचावत रहन, धंधा करावत रहन, ए तरह के उनकर कारोबार रहते बटे। ओकरा बाद से थोड़ा सा कहानी और आगे बढ़त अटे तो फिर वही एक्शन रिएक्शन ए तरह के सिचुएशन आते। लेकिन ट्रेलर में एगो ऐसा मोड़ आता जहाँ पवन सिंह के पूरा हरदी उर्दी लागत रहता, बारात जब जात बटे, शादी होके खातिर लड़की तैयार रहत बिया और अचानक से पवन सिंह वजह से गायब। अब गायब हो जाते रहन, अब लड़की बहुत मजबूर होती है, उन्हें वो विलेन जौन बाटे जौन की कोठा पर ले जाके बैठावत बा यानी अपन वियर बार में, वजह से हीरोइन के भी लेके चल जात बा यानी निधि झा के और अपना कोठा पर नचावत बटे। फिर से बहुत दिन बाद जब वही कोठा के रेट डालत रहन ऐसे कि पवन सिंह इंस्पेक्टर भी रहते रहन, तब देखत रहन कि ओहो तो ये बड़ी यही जो कैसे कैसे हो जाए डायलॉग बाजी चलता। ओकरा बाद से फिर से अंत के सिचुएशन क्लाइमेक्स ये बटे कि पूरा एगो मठाधीश लेखा रहा था वही जगह पर कैसे कोठा वाले लोग के शादी कल जात बटे कि मतलब है मठाधीश के इतर के अक्सर होत रहेला तो शादी होत होखे वाला रहत ही बटे। वही समय पवन सिंह वही जगह के लोगन के धार 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 मार जात और लेकिन अपना मांग में सिंदूर नहीं पर जाके पवन सिंह के गले मिल जात बिया और ये फिल्म के मेन क्लाइमैक्स बटे। ये रहा फिल्म के पूरा ट्रेलर। अगर हमने के बात कर लीजिए फिल्म के कुछ टेक्निकल के बारे में, जैसे ए फिल्म में पवन सिंह अगर देखल जाओ तो अपन एक्शन करो तो ठीक लग रहा लेकिन एक्टिंग करो तो न क्यों भावत नहीं खन अभी भी जब इमोशनल सीन बटे बुझाते नहीं खन कि इमोशनल बढ़ कि कहाँ बढ़ महाराज कुछ तो कुछ तो कुछ तो। बाकी अगर हमने के बात कर लीजिए फिल्म में गाना के तो कुछ गाना अच्छा भी लागत बा, कुछ गाना एल्बम के फ्लो में बटे लेकिन कुछ गाना लागत बा कि हाँ फिल्मी गाना तो गाना ठीक ठाक बाटे। बारी निधि झा और पवन सिंह के जो केमिस्ट्री देखावे कोशिश कर बटे वो एगो ठीक ठाक केमिस्ट्री दिख रहा बाटे। बात कल जी हमने के फिल्म के अगर देखल जाओ तो सिचुएशनल वाली जोन भी लोकेशन बाटे वो ठीक ठाक बा, वायलेंस वाला बाटे। बाकी ओवरऑल अगर देखल जी एमे जैसे कि पवन सिंह अपना एक्टिंग में तो थोड़ा जसत नहीं खन एक्शन में जसत, निधि झा भी अपना रोल में ठीक ठाक दिखाई दे रहा बड़ी। बाकी और स्टार भी अपना अपना रोल में ठीक ठाक दिख रहा। बाकी ये फिल्म के निर्माता बानी अमित कुमार और गया राज। ये फिल्म के लिखले बानी और डायरेक्ट के लिए बानी चंदन भूषण मणि। चंदन भूषण मणि बता दी कि एक कंसेप्ट वाला फिल्म अभी फिलहाल में तो भोजपुरी में चले वाला नहीं है। भोजपुरी में कहा कोनो इंडस्ट्री में ए तरह के कंसेप्ट अभी चले वाला नहीं है, काहे कि अभी फिलहाल के जो दर्शक हो गए बड़न मॉडर्न दर्शक हो गए बड़न फिल्म रीजनल मुद्दा के देखल पसंद कर रहा बड़न ऐसा मुद्दा के एकदम नकार से दिल बड़न। ये सब फिल्म बहुत दिन पहले बनत रही सन कि लड़की के उठा के कोठा बना चावल जाओ, हीरो जाओ मारपीट करे और मतलब एकदम से बियर बार के तोड़ फोड़ दे, ऐसा सिचुएशन वाली कहानी कतई नहीं के चलत। अब यही बात पर पवन सिंह कहियन कि जौन लाइन हम खींच देनी वही पर सबके हो रेंगेला, कौन लाइन खींचे बड़ा महाराज गजब के बकचोदी बटे। तो फाइनली ओवरऑल ये फिल्म देखा जाओ तो फिल्म के नाम पर बस एक भलाई बाटे, बिजनेस बाटे, बाकी इसे कोनो प्रॉफिट नहीं है। दरअसल ये फिल्म खुद ये फिल्म के ही बनावल गई बटे माँ अम्बा के बैनर तले यानी पवन सिंह के
बैनर तले फिल्म के बनावल गई। बाकी रिव्यू कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी। ये वीडियो में बस इतना ही, बाकी राम जी।